कैसी हो? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे आप सभी। तो दोस्तों स्वागत है आपका आप ही के अपने चैनल न्यूटेक इजी में। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप भी देखते हो टीवी, आपके बच्चे भी देखते हैं टीवी। तो भैया जो ले रहे थे अब तक मुफ्त के चैनलों का, उनके बारे में एक बहुत ही बड़ी न्यूज है। जानते हैं न्यूज क्या है? तो चलिए दोस्तों स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपको क्या करना है, वही पुराने वाला फंडा, जान गए होंगे, जल्दी से कर लो यार सब्सक्राइब और वीडियो को तो लाइक और चैनल को तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर दो प्रेस, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी सूचना मिलती रहे और लोग जो है सीखते रहे, सिखाते रहिए और बढ़ते रहिए, बढ़ाते रहिए, जो भी है आप करते रहिए। चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि हो क्या रहा है, क्या हुआ, क्या बात है। सबसे पहले मैं बता दूं फ्री डिश टीवी की। एक्चुअली फ्री डिश टीवी के अंदर हुआ क्या है, अभी कुछ लोगों को बार बार कमेंट्स भी मैंने देखने को मिले, बार बार कई लोगों ने मुझे ऑफिशियली फोन करके बहुत लोगों ने पूछा है हमारे चैनल का तो यार स्टार उत्सव भी गायब हो गया, तारक मेहता वाला चैनल गायब हो गया, कैसे देखूं, बबीता गायब, सब कुछ गायब हो गया, अब क्या करें। अब एक्चुअली क्या हो रहा है कि कुछ लोगों ने देखा है कि अब कि हमारे चैनल गायब हो, सोनी पल गायब हुआ, सिनेमा टीवी गायब हो गया और भी बहुत सारे चैनल है जैसे स्टार उत्सव गायब हो गया, उसी के साथ कुछ चैनल एड भी हुए हैं, जैसे 13 चैनल जो है एड हुए हैं और 18 चैनल जो है हमारे डिश टीवी से गायब हुए हैं डायरेक्ट। 18 चैनल जो भी इम्पोर्टेंट चैनल थे सीरियल वाले सारे गायब हो चुके हैं, जैसे स्टार भारत हुआ, स्टार उत्सव हुआ, सोनी पल हुआ, सिनेमा टीवी हुआ मूवीज हुई, इस तरह से कुल मिला के 18 चैनल्स है जो गायब हुए हैं, वो कुल मिला के 13 चैनल्स जो नहीं आ रहे हैं, वो कौन कौन से आपको लास्ट में उसकी लिस्ट मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखे, स्किप बिल्कुल ना करें, पूरी जानकारी लेकर जाए, अधूरा बिल्कुल न छोड़ कर जाए, क्योंकि क्योंकि जाए। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अब लोग जो है भ्रमित क्यों हो रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों एक वीडियो देखना आप बंद कर दीजिए YouTube पर आज से। अब बार बार देख रहे होंगे कि यार ये चैनल क्या यार वापस गायब हो गए, कैसे लेकर आए, किस तरह से लेकर आए, नहीं आए, इस तरह के बहुत सारे वीडियो आप बार बार यूट्यूब पर जाकर देखते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो है सरकार द्वारा जो है नियमित रूल्स होते हैं वो किसके द्वारा होते हैं आपको मैं बता दूंगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को। अब वहां से जो इसका रिजल्ट जो है रियल आ चुका है कि वहां पर इसका रिजल्ट क्या है, तो वो रिजल्ट आने के बाद ही जो है चैनल्स वगैरह जो है गायब हुए हैं, तो सबसे पहले वो बता देता हूं। तो ये जो रिजल्ट जो है निकाला है वो है प्रचार भारती, आप सभी जानते होंगे जो हमारे भारत में चलती है फ्रीडीसी टीवी का जो संचालन करती है प्रचार भारती, उसी ने जो है ये निकाला है और उसका रिजल्ट जो है हम बात कर लेते हैं। तो 38 ईएक्शन के तहत ये रिजल्ट निकला है, जिसके अंदर 1 मार्च 2018 से जो है 18 चैनल गायब हो चुके हैं, 13 नए चैनल जुड़ चुके हैं, जैसे इंडिया भारती हुआ, इस तरह के कुछ चैनल है वो जुड़ चुके हैं। लास्ट में आपको सभी की लिस्ट में दे दूंगा कि कौन कौन से जुड़े हैं, कौन कौन से आए हैं। अब सबसे पहले आपको जो लोग क्या कर रहे हैं कि ये वाली सेटिंग कीजिए आपके चैनल आ जाएगा, आपको क्या करवाएंगे कि कंप्यूटर आपके टीवी पर ले जाएंगे, रिमोट से दबाएंगे, मेन्यू पर जाएंगे और वहां पर जाने के बाद आपको क्या करवाएंगे सिस्टम में लेकर जाएंगे, वहां से सिस्टम आपके जो सॉफ्टवेयर अपग्रेड करवाएंगे, उसके बाद में आपके सारे चैनल डिलीट करवाएंगे, फिर वापस से नहीं लाने के लिए कहेंगे और वो आपको वहां से स्किप कर देंगे अपनी रिकॉर्डिंग को और एडिटिंग करके आपको दिखा देंगे कि देखिए हमारे टीवी में जो है चैनल आ चुके हैं। एक्चुअली जो प्रीवियस रिकॉर्डिंग थी, जो पहले से जो है रिकॉर्डिंग क्यों हुई थी वो आपको दिखाते हैं। एक्चुअली अब नहीं आ सकते हैं चैनल। यार प्रचार भारती जो भारत ने जो कानून लागू कर दिया है, जो इनकी सरकार जो है प्रचार भारती उन्होंने कानून लागू कर दिया, उसके खिलाफ आप अपनी सेटिंग करके इसे चैनल लेके आ जाओगे, ये कोई टेक्नोलॉजी नहीं है जिसे आप हैक कर दोगे, ये फ्री डिश टीवी है जिसे हैक करना इतना आसान नहीं होता, हैक करके भी आप चैनल नहीं ला सकते, ये वापस नहीं आने वाले। तो ऐसा वीडियो देखना बंद कर दीजिए, इसमें आपको बार बार में बताया जाता है क्या मेरे चैनल वापस आएंगे, क्या जो चैनल 18 गायब हो चुके हैं वो कैसे लाऊं, सोनी पल कैसे लेकर आऊं, स्टार उत्सव कैसे लेकर आऊं, ये कैसे लाऊं, वो कैसे लाऊं, तारक मेहता कैसे देखूं, ऐसे देखूं, हॉटस्टार ऑन करके देख लो फटाफट से, फोन ही नहीं है कहां से देखूं, वरना टीवी क्यों खरीदता है ना। तो देखिए पहले बात मैं आपको बता दूं, ये चैनल आपको नहीं मिलने वाले, इसके लिए आपको पैसे देने होंगे तो देने ही होंगे, आपको जो है ये चैनल बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आप अपनी टीवी में जाकर, जो करना है वो कर लो बिल्कुल 100%। जितने भी आप वीडियो देखोगे, मैंने ट्रैक कर करके देख लिया, खुद ने जो है प्रयोग कर करके देखा, किसी से कुछ नहीं होने वाला है, कुछ नहीं होता, यदि होता तो मैं आपके लिए कुछ वीडियो लेकर आऊंगा कि किस तरह से हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल हुआ इस तरह का तो मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेकर आता और सबसे पहले लेकर आता। इस पर मैंने वीडियो कब का बना चुका होता, एक्चुअली मेरे को जो है इसकी न्यूज तो 28 फरवरी को ही मिल चुकी थी कि ये चैनल इस तरह से गायब होने वाले हैं, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि लोगों को पता है कि गायब होंगे तो होंगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस तरह की जो है लोग वीडियो बनाना स्टार्ट कर देंगे कि वापस कैसे लाए, इस तरह से कैसे लाए। तो आप लोग भ्रमित ना हो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है कि चैनल वापस आ जाएंगे, तो बार बार में समय व्यर्थ करने से अच्छा है कि आप जो है
बार बार में ऐसे वीडियो को न देखिए, अपने समय खराब न मत कीजिए। आप जो है अपने चैनल जो आ रहे हैं वो देखिए, जो नए जुड़े हैं वो देखिए, न्यूज वगैरह देखिए। ये चैनल अगर आएंगे तो प्रचार भारती खुद जो है इसको जो है डालेगी। यदि कुछ लोगों के एक्शन या फिर कोर्ट द्वारा कुछ इनको कहा जाता है तभी ये सब हो सकता है, वो खुद ही डालेगी तो, और सबके ऊपर आएंगे। आपको कुछ सेटिंग करने की जरूरत नहीं होती उसके लिए। जो नए चैनल से देखिए, मैं बता देता हूँ, शुरुआत में कुछ नए चैनल जुड़े थे, बहुत लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है, तब लोगों के चैनल बंद हो चुके थे, तब कुछ नए चैनल जुड़े थे, तब ये सेटिंग कर लीजिए, इस तरह से आप नए चैनल डाल दीजिए। टीवी वाले खुद बता रहे थे वो मात्र कुछ दिनों के लिए था, 15-20 दिनों के लिए उन्होंने चला था कि ये सब कीजिए। टीवी वाले खुद बता रहे नए चैनल एड करने के लिए ये कीजिए, लेकिन फिर लोगों उन प्रचार भारती ने खुद ने जो है ऑफिशियल न्यूज डाली थी अपनी साइट पर, उन्होंने बताया था कि लोग ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, जो नॉर्मल है वो नहीं जानते इन सब के बारे में, बताने के बावजूद भी। और सभी के टीवी की जो सेटिंग्स भी कभी कभार अलग अलग होती है, तो उन्होंने खुद ने ही जो है अपना अपग्रेडेशन देना शुरू कर दिया, और उस दिन से लेकर आज तक जितने भी अपग्रेड हुए हैं वो खुद ही देती है, खुद ही डिलीट कर दिया आपको बिना कोई सूचित किए। हालांकि सूचना देती है 1-2 दिन पहले, लेकिन हम साइट पर सभी के सभी पूछना पहुंच रहा है, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, चैनल आपको वापस नहीं आने वाले हैं, तो इस भ्रम में मत रहिए। बार बार में देखकर अपना टाइम वेस्ट करने में कोई फायदा नहीं है। तो इस वीडियो में ये इन्फॉर्मेशन देकर मैं आपको सचेत करना चाहता था कि बार बार में लोग अपना टाइम वेस्ट करें, बार बार में पूछे जा रहे हैं कि वापस चैनल लाओ, हमारे गायब हो गए, हमारा टीवी आकर देख जाओ, ये आकर देख जाओ, वो आकर देख जाओ। देखिए ऐसा नहीं होने वाला है, मैं क्या करूंगा, कोई कुछ नहीं कर सकता इसके अंदर। आप चाहे जो मार्केट से दुकान वाले को बुलाकर देख लो, नहीं कर पाएगा, ऐसा नहीं होता है। और जो आपको कहता है ऐसा होता है, बिल्कुल नहीं होगा, झूठ बोल रहा है, 100% सत्यवाद है, प्रमाणित है, मैंने खुद ने ट्राई करके देखा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आप बार बार में इसके बहकावे में नहीं आए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, दी गई जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, ताकि आप यूट्यूब हौसला मिलता रहे और आपके लिए इस तरह की इन्फॉर्मेशन लेकर आए। चलिए दोस्तों, मैं शंकर आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में।